और अब बात उस खबर की करते हैं जिसका इंतजार हल्द्वानी का एक परिवार पिछले 38 सालों से कर रहा है। बात उस शहीद की करते हैं जिसकी शहादत 38 साल पहले हो गई थी, मगर उसका पार्थिव शरीर अब घर पहुंचेगा और आपको बर्फिस्तान के इस बाहुबली की पूरी कहानी दिखाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहां इंसान का हौसला जवाब दे जाता है। मगर कुछ जाबाज हैं जो इस विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये चलती फिरती इंसानी मशीन की तरह है। इन्हें न हिमालय की ठंडी हवा हरा सकती है, न कुदरत की चुनौती इनका हौसला तोड़ सकती है। यहां हिंदुस्तान के हिमवीर साल भर मोर्चा संभालते हैं, जो हिंदुस्तान की सरहद की तरफ देखने वाली हर आंख पर नजर रखते हैं। ১৯৮৪ में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन भारत की ओर से पेट्रोलिंग के लिए 20 सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई। इसमें लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे, मगर तभी सियाचिन ग्लेशियर टूटा और सैनिकों की पूरी टुकड़ी उसकी चपेट में आ गई। लापता सैनिकों की खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें 15 सैनिकों के पार्थिव शरीर तो मिल गए, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका। इस बार जब सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो लापता सैनिकों की तलाश फिर से शुरू की गई। इस दौरान एक जवान के शरीर के अवशेष ग्लेशियर पर बने एक पुराने बंकर में नजर आए। पहचान करने पर पता चला कि वो अवशेष लांस नायक चंद्रशेखर के हैं। उत्तराखंड के शहीद सैनिक चंद्रशेखर हरबोला का शव 1984 के बाद अगर बात करें तो अब जाकर 38 सालों बाद मिला है। अगर बात करें तो 1984 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ऑपरेशन मेघदूत जब चल रहा था तो उनकी तैनाती सियाचिन में थी और सियाचिन में अपने तमाम सारे जवानों के साथ वो गश्त पर निकले थे। तभी अगर बात करें तो बर्फीले तूफान की चपेट पे आ गए थे, जिसके बाद बर्फीले चट्टान में वो कहीं खो गए थे। भारतीय सेना ने बाद में खोज का ऑपरेशन भी किया था, लेकिन उस वक्त 20 जवान लापता हुए थे, जिनमें से 15 जवानों के शव को ढूंढ लिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव देह का कहीं पता नहीं चला था। अब अगर बात करें तो भारतीय सेना को उनका पार्थिव देह मिला है। तकरीबन 38 सालों बाद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव देह भारतीय सेना को मिला है, जिसको जल्द ही उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। सैनिक की पहचान में उसके डिस्क ने बड़ी मदद की। इस पर सेना का दिया हुआ नंबर था। ऑपरेशन मेघदूत के समय 1984 में चंद्रशेखर की उम्र महज 28 साल थी। उस समय उनकी बड़ी बेटी 8 साल और छोटी बेटी करीब 4 साल की थी, जबकि पत्नी की उम्र करीब 27 साल थी। अब उनकी बड़ी बेटी 46 साल की हो चुकी है, जबकि पत्नी की उम्र 65 साल है। जाहिर है इस परिवार के लिए ये पल बेहद भावुक करने वाला है।
चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव देह मिलने के बाद अगर बात करें तो उनके परिजनों में कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि दिखी, क्योंकि अगर बात करें तो 1984 से उनका पार्थिव देह नहीं मिला था, जिसके बाद उनकी पत्नी शांति देवी भी इंतजार कर रही थी अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय सेना को सियाचिन में उनका पार्थिव देह मिला है, जल्द ही पार्थिव देह परिवार को सुपुर्द किया जाएगा, तो उनकी पत्नी का भी कहना है कि अपने पति का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर सकेंगी। अगर बात करें तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव देह अब तक नहीं मिला था और वही बर्फ की चट्टानों में दब गया था, जिसके बाद भारतीय सेना को अब उनका शव मिला है, जिसके बाद अब परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। 38 साल बाद जब एक जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा तो परिवार वालों का क्या हाल होगा, इसे बयां करना बहुत मुश्किल है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।